भारत रत्न एंड लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी ने कल इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उन्हें आखिरी सलाम देने दादर के शिवाजी पार्क पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हो, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, साथ ही साथ क्रिकेट जगत के मास्टर ब्लास्टर यानी कि हमारे सचिन तेंदुलकर और ऐसे बड़े बड़े नामचीन सितारे हमें वहाँ नजर आए जिन्होंने लता दीदी को आखिरी अलविदा कहने पहुँचे। लेकिन अब इस सबके बीच हो गई है एक कंफ्यूजन क्रिएट और हो रही है गौरी खान ट्रेंड। वेल, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ट्विटर पे गौरी खान ट्रेंड कर रही, बताती हूँ आपको इस वीडियो में। देख रहे आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, अगर आप एक पिक्चर देखें तो उस पिक्चर में आपको नजर आएंगे शाहरुख खान जो हाथ जोड़ के जो है दुआ पढ़ रहे हैं उनके लिए, और यहाँ पे साथ ही साथ जो नमस्कार करते हुए नज़र आती है एक लेडी, और कुछ लोग जो है ट्विटर पे फिलहाल बातचीत करने लग गए कि ये गौरी खान है, शाहरुख खान की पत्नी। और जिस तरह से सेकुलर इंडिया का ये सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे दुआ एंड यू नो प्रेयर्स जो होती है दोनों हिंदू एंड मुस्लिम तरीके से एक साथ दी जा रही है, तो ये सेकुलर इंडिया है या आज का इंडिया है। काफ़ी लोग इन्हें यहाँ पे कह रहे हैं कि शाहरुख खान की बीवी गौरी खान ये दोनों मिलके लता जी को जो है आखिरी अलविदा कहने गए थे। और ऐसे करते करते अलग अलग टाइप के ट्वीट्स हमें दिखाई दे रहे हैं ऑन ट्विटर, लेकिन अगर आपको बता दूं तो इट इज़ नॉट वट इट लुक्स लाइक। गौरी खान वहाँ मौजूद नहीं थी, इनफैक्ट पूजा ददलानी जो है शाहरुख खान की मैनेजर है, काफ़ी समय से शाहरुख खान एंड गौरी खान के साथ वो काम करती आई है। ये अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज़ गौरी खान, शाहरुख खान और ये जो लेडी है इन्हें देखा गया, और ये दरअसल पूजा ददलानी है जो यहाँ पे इस पिक्चर में शाहरुख खान के साथ मौजूद है। वेल, लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिए। शाहरुख खान जो है कल के दिन में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, जहाँ पे एक साइड भी कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने लता मंगेशकर जी के यहाँ पे थूक दिया, उसके बाद क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि उन्होंने वो थूका नहीं था, वो दुआ पढ़ रहे थे और बुरी शक्तियाँ बुरी ताकतें लता जी के आखिरी वक्त पे उनकी आखिरी जर्नी में और उनकी यू नो टूवर्ड्स द हेवन उनकी जो जर्नी है वहाँ पे कोई भी शैतान उन्हें परेशान ना करे, इसलिए जो मुस्लिम स्टाइल होती है मुस्लिम ट्रेडिशन के हिसाब से दुआ मांगने के बाद वो हवा फूंकते हैं, और शाहरुख खान ने बिल्कुल वैसा किया। एक बार वो जो कंट्रोवर्सी थी वो क्लियर आउट हो गई। अब यहाँ पे दूसरी जगह जो है ये पिक्चर को वायरल करके कहा जा रहा है कि वहाँ पे गौरी खान शाहरुख खान की मौजूद थी, लेकिन गौरी खान जो है वो वहाँ पे शाहरुख खान के साथ उस जगह मौजूद नहीं थी, वो थी पूजा ददलानी जो है गौरी खान एंड शाहरुख खान की मैनेजर। फाइनली इस चीज़ का जवाब मिल गया है, लेकिन फिर भी अभी तक गौरी खान जो है ट्रेंडिंग में हमें ट्विटर पे दिखाई दे रही है, अलग अलग तरीके से लोग जो है रिएक्शंस दे रहे हैं, लेकिन अभी फाइनली लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि नहीं भाई, फेस का स्ट्रक्चर देख लो, दैट इज़ नॉट गौरी बल्कि कोई और है, और कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी है। क्या है इसके ऊपर आपको कहना, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और आजकल की सोशल मीडिया के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, इंसिडेंट एक चल रहा है जहाँ पे इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर की डेथ हो गई है, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है, तो उनके ऊपर फोकस ना करते हुए लोग जो है फोकस अलग अलग चीज़ों पे करते हैं। शाहरुख खान के ऊपर कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी कर दी इमेजिनरी वाली, बिना किसी ट्रेडिशन बिना किसी कल्चर को जाने, और दूसरी जगह जहाँ पे कोई और लेडी है शाहरुख खान के साथ खड़ी है जो उनकी मैनेजर है, उन्हें गौरी खान बता करके ये भी कह रहे हैं कि गौरी खान के ऊपर एक्शन ली जा सकती है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू स्टाइल में कैसे प्रे कर रही है। दूसरे साइड लोग कह रहे हैं ये सेकुलर इंडिया है, यू नो हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ जो है लता जी जो लेजेंड है उन्हें आखिरी अलविदा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अभी सामने आ रही है, इससे सवाल ही ज़रूर उठता है कि क्या आजकल के जो लोग हैं सेंसिटिविटी भूल गए हैं, ह्यूमैनिटी भूल गए हैं, जिस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके अलावा लोग कुछ और ही चीज़ें बात करते हैं डिस्कस करते नज़र आते हैं। आपको इसके ऊपर क्या कहना है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल सी यू गाइस सून, बाय बाय।